जैसा कि आप जानते हैं या आपको भी पता लग रहा है कि सर गाड़ियों पे शायद बुलगार्ड लगाना या तो बैन हो गया है या बैन होने वाला है। मेरे पास तो रोज बहुत सारी खबरें आ रही है, बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, इसलिए मैं फटाफट आ गया हूँ आज एडवोकेट कामेश्वर गुंबर जी के पास और इसे समझ रहा हूँ कि सर ये क्या केस है सारा, ये मतलब कर रहे हैं क्या बैन कर रहे हैं। अंकित जी बैन तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, एक लेटर जरूर जारी हुई है, एक ऑफिसर है मिस्टर प्रियांक भारती मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, तो उन्होंने एक लेटर जरूर स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है, लेकिन अभी तक जो उसको बैन कहा जाए या ना कहा जाए ये मैं नहीं मानता कि इसको एक बैन कहा जाए। अभी सर आप कह तो रहे हो बैन नहीं माना जाए, मेरे पास तो ये लेटर है, रोज सारे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आपके पास भी आई रही होगी हमारी व्यूअर्स के पास, इसमें तो बड़ा क्लियर क्लियर लिखा है कि ये पता नहीं थोड़े मोटे मोटे वर्ड है कि इनको बिल्कुल बैन कर दिया जाए। नहीं मैं आपको बताऊंगा ये लेटर, एक मिनट मुझे दिखाएं। ये लेटर जो प्रियांक भारती जी की जो है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जी इसके अंदर है क्या कि ये एक डिपार्टमेंटल लेटर है जी, ये लेटर जो है ये प्रियांक भारती जी ने भेजी है सभी स्टेट गवर्नमेंट को जी, लेकिन हुआ क्या है कि ये कहीं से लीक हो गई। ओके, इट वॉज नॉट सपोज टू कम आउट इन मीडिया, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया पे ये लीक लेटर बहुत ज्यादा चल रही है, तो पहले इस बात की डाउट थी कि ये वेदर ये ऑथेंटिक लेटर भी है या नहीं, तो बाद में अब किसी ने आरटीआई लगाई तो उसमें पता चल गया कि ऑथेंटिक लेटर तो ऑथेंटिक है। सही, प्रियांक भारती जी स्टेट सेंटर से है और हाँ, स्टेट को का है जी, तो जी। मतलब ये हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे एक्चुअल में कौन बनाता है ये रूल सेंटर या स्टेट। मैं आपको रूल्स पे आने से पहले अंकित जी मैं थोड़ा सा आपको इस लेटर के बारे में बता दूं जी। इसके अंदर इन्होंने जो लिखा है प्रियांक भारती जी ने, इन्होंने ये लिखा है कि आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं हम बुलबार्ड्स की तरफ के वो अनसेफ है अकॉर्डिंग टू मिस्टर प्रियांक भारती और सेक्शन 52 की कॉन्ट्रावेंशन में है, इसलिए इन्होंने पैरा नंबर 2 में लिखा है कि इसलिए स्टेट्स को कहा जाता है दे मे टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ओके, शब्द जो है वो है मे टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। अच्छा, मे का मतलब ये हो गया कि ये उन्होंने जो गेंद है वो पाले में फेंक दी है स्टेट्स के, कि स्टेट्स चाहे तो एक्शन ले सकती है चाहे तो एक्शन नहीं ले सकती है इसके ऊपर की मेटे। अगर एक निर्देश होता ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक डायरेक्शन होती कि ऐसी गाड़ियों के ऊपर एक्शन लेना है, तो इसके अंदर जो शब्द आता वो आता द स्टेट्स शैल टेक एक्शन। ओके, यानी कि अभी कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं है प्रियांक जी की तरफ से। नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी लेटर हम इसको बोल सकते हैं कि एक एडवाइजरी लेटर जारी किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसके अंदर एक लीगल पोजीशन एक्सप्लेन। तो ये जो एडवाइजरी लेटर हम लोगों को इश्यू किया गया या किए जाते हैं, इनकी एक्चुअल लीगलिटी क्या होती है कि जैसे ये बाहर आते हैं चलान होने शुरू हो जाते हैं या नहीं, वो मैं आपको इस बारे में थोड़ा और चीज बता दूं। जैसे कि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट है हमारा, ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, एक सेंटर का एक्ट है, लेकिन इसके अंदर भी प्रोविजंस दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर वो अपने कानून बना सकते हैं, इसको अमेंड कर सकते हैं, अपने स्टेट्स के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण देता हूं, दिल्ली के अंदर येलो लाइट क्रॉस करने का चलान नहीं है बिल्कुल, बट चंडीगढ़ में अगर हम जाएंगे तो एक 36B क्लॉज आता है जिसके अंदर येलो लाइट का भी चलान है। अच्छा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो अपना दायरा है इस चीज को लेकर आने के लिए उसके लिए है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अपने लॉज हो सकते हैं, इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट्स को एक एडवाइजरी लेटर दिया है। जहां तक आपकी बात है चलान्स की, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टेट की मर्जी है, इस लेटर के बेस पे अगर स्टेट को नोटिफिकेशन निकालती है या अपना कोई रूल बनाती है या कोई रेगुलेशन बनाती है, इसके बाद ही कुछ चलान की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब ये अभी कोई यू नो मतलब जिसको कहना चाहिए कोई फाइनल लेटर नहीं है, इसमें आ गया तो होगा ही होगा या नहीं, आप शब्द मैंने आपको बताया मे शब्द मे है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर। अच्छा, तो सर जैसे भी आपने मेरे को बताया चंडीगढ़ वाली बात, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कुछ गवर्नमेंट्स में कुछ स्टेट्स में चलता रहे और कुछ में चला लो। हाँ जी बिल्कुल, अगर स्टेट्स चाहे, कोई स्टेट है इसके ऊपर अपना नोटिफिकेशन लेके आना चाहे इस लेटर के बेस पे, ये सही है या नहीं है वो एक बात का विषय है, लेकिन अगर वो लेके आना चाहे तो इस एडवाइजरी के बेस पे अपना एक्शन ले सकती है, और अगर कोई स्टेट ना लेना चाहे तो नहीं ले सकती है। अच्छा सर, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 52 के अंदर ये वायोलेटेड है, तो सेक्शन 52 में अगर वायोलेटेड है तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना फिर तो। नहीं, मैं आपको अंकित जी कुछ बहुत दिलचस्प चीजें बताऊंगा इसके बारे में। सेक्शन 52 जो है, सेक्शन 52 बहुत अलग सेक्शन है जी। उसका बुलबार से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, आपके पास आपकी गाड़ी की आरसी होगी अंकित जी? आरसी तो है सर, पर चलान तो नहीं करवाऊंगा। नहीं, नहीं चलान नहीं करवाऊंगा। अच्छा, ये हाँ ये है ना सर आरसी मेरे पास जी।
तो जो ये आरसी है अंकित जी आपकी जी, मैं आपको आरसी के बारे में देता हूँ। इसके ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं चीजें लिखी हुई है, सॉरी एक रजिस्ट्रेशन डेट है आपकी जी, एक आपका चेसी नंबर है, इंजन नंबर है, मैन्युफैक्चर्ड है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, कलर कौन सा है आपकी गाड़ी का, क्लास क्या है इसकी जिसके आगे एलएमवी लिखा हुआ है, आपका नाम एड्रेस वगैरह लिखा है, मॉडल क्या है, बॉडी कौन सी है इसके अंदर, व्हील बेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं आप इसके अंदर, टैक्स कहां से कहां तक आ चुका है, सिलेंडर्स कितने हैं, सीटिंग कैपेसिटी, स्टैंडिंग कैपेसिटी, ये सब चीजें हैं। जो ये आरसी के ऊपर डिटेल्स होती है अंकित जी, ये जितनी भी डिटेल्स मेंशन है, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं जी, मॉडिफिकेशन समझें कि अगर आपकी गाड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर आप बदल देते हैं किसी चीज को लेकर के, इन सब चीजें जो इसके ऊपर दी गई हैं, अगर इनसे कोई छेड़छाड़ होती है उस स्ट्रक्चर की, तो आप वो नहीं कर सकते जब तक आपको आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिल जाती। जैसे एक अगर कोई एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो ये गाड़ी है इसके ऊपर लिखा हुआ है कलर, कलर इज कोर व्हाइट, राइट, ठीक है, तो ये जो COR व्हाइट कलर है ये आपकी गाड़ी का कलर है। अब सपोजिंग आप कहते हैं कि मुझे ना अपनी गाड़ी लाल रंग की करनी है, आपको लाल रंग की गाड़ी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, एक एप्लीकेशन देनी है अंडर सेक्शन 52 आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, आपको उनको कहना है कि मैं गाड़ी लाल करना चाहता हूं, मेरे को परमिशन दी जाए, और आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो आपको परमिशन दे देती है। इसके बाद आपकी आरसी के ऊपर एक एंडोर्समेंट हो जाएगी कि अब ये गाड़ी लाल कलर की है। ओके, तो अगर इन डाटाज में से किसी के अंदर आप मॉडिफाई करते हैं, जहां तक मैं समझता हूं बुलगार्ड एक एसेसरी है, वो मॉडिफिकेशन नहीं है, तो अगर आप अपनी गाड़ी को इन चीजों से मॉडिफाई करते हैं उस संदर्भ में सेक्शन 52 आता है। 52 में भी कुछ इल्लीगल नहीं है, 52 में है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सीएनजी किट्स लगती हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल गाड़ी बेसिकली पेट्रोल गाड़ी है, तो अगर आपको सीएनजी किट लगवानी है उसके ऊपर लॉज है, आप सीएनजी किट फिट कराएंगे तो आपको इसके ऊपर एक एंडोर्समेंट करानी होगी अपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से कि ये एक सीएनजी फिटेड कार है, राइट। तो ये सब चीजें जो आरसी के ऊपर है, जहां तक मैं समझता हूं आरसी के ऊपर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका बुलबार से या क्रैश गार्ड से कोई लेना देना हो, इसलिए बुलबार का सेक्शन 52 से कोई लेना देना नहीं है। और सर ये दो सेक्शन और इसमें लिखे हुए हैं कुछ 190 और 191, मैं आपको वो भी बता देता हूं। इसके अंदर लिखा है कि 190 और 191 होता है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई नुक्स है, मतलब कि मैकेनिकल फॉल्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल है या कम लगती है, या आपकी गाड़ी के एक्सीलरेशन में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी गाड़ी के क्लच में कोई प्रॉब्लम है, आप उस गाड़ी को चलाते हैं या चलने देते हैं तो आपके खिलाफ वायलेशन मानी जाएगी और आपके खिलाफ चलान होगा, आपके खिलाफ पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 190 कहता है कि अगर आपको पता है कि मेरी गाड़ी में ये डिफेक्ट है और उसके बावजूद वो गाड़ी चल रही है, फॉर एग्जांपल आप देखें कई बार होता है कि आपको पुलिस वाले रोक लेता है आपकी हेडलाइट टूटी हुई है, राइट, ठीक है, वो 190 के परव्यू के अंदर आएगा। ये बुल बार्स डिफेक्ट नहीं है गाड़ी के अंदर, तो 190 नहीं है। और जहां तक 191 जो डील करता है उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है जो गाड़ियां बनाते हैं, उन गाड़ी कंपनियों के लिए है या उन इम्पोर्टर्स के लिए जो गाड़ियां इम्पोर्ट करते हैं, वो गाड़ियां जो एज पर दी गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट कहती है कि इसके अंदर 6 की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और 6 की सीटिंग कैपेसिटी ना होकर उसके अंदर 7 की सीटिंग कैपेसिटी बनाई गई है, तो इस तरह की गाड़ियां बेचना या इस तरह की गाड़ियां इम्पोर्ट करना, उसके लिए प्रावधान है सेक्शन 191 में। सो सेक्शन 52, 190 और 191 का इससे कोई लेना देना नहीं है। सर ये जो लेटर आई है प्रियांक भारती जी की जी, और जैसे मेरे को पता भी लगा कि आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ गए, प्रियांक भारती जी से मीटिंग करी आपने, तो मीटिंग कैसी रही सर आपसे, मतलब उनका क्या कहना है कि उन्होंने ये एडवाइजरी क्यों दे दी है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्रियांक भारती जी ने से हम मिलके आए हैं। प्रियांक भारती जी ने जो हमें बात बताई, उन्होंने कहा कि किसी ने एक PIL फाइल करी है बुलगार्ड्स के अगेंस्ट, तो उसमें सरकार से जवाब मांगा गया था, तो उनका जो मानना था कि इसलिए उन्होंने ये जो स्टेप लिया है वो लिया है, जो लेटर उन्होंने दी है। बट प्रियांक भारती जी का जो मैंने उनसे लीगल ओपिनियन पूछा कि सर ये जो लीगल चीजें हैं इसमें तो फॉल नहीं करती हैं, तो किस तरह से ये इलीगल है, किस तरह से ये अनसेफ है, क्या कोई स्टडी कराई गई है,
या आपने कुछ इसके ऊपर रिसर्च कराई है तो मुझे बताएं ये इसको किस तरह से आपने अनसेफ या इलीगल डिक्लेयर कर दिया अपने आप से। तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि गाड़ियों की स्पेसिफिकेशंस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर, तो अगर उस परव्यू में कुछ नहीं आता है तो वो इलीगल है। मतलब ये हो गया कि मैं घर में आज सर्दियों का टाइम है आप समझते हैं, तो सर्दियों में अगर मैं नहीं नहा रहा हूँ इसके ऊपर कोई कानून नहीं है तो ये गैर कानूनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी चीज के ऊपर कोई लीगल ओपिनियन नहीं है तो वो चीज इलीगल हो जाती है, या लीगल सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो वो इलीगल हो जाती है। मैं आपको एक अंकित जी बहुत दिलचस्प स्टोरी बताता हूँ इसके पीछे। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है जिनके ये ऑफिसर है प्रियांक भारती जी, ये हर साल एक इस तरह की रिपोर्ट निकालते हैं जी। आप देखें रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, ये जैसे 2015 की रिपोर्ट है, लेटेस्ट 2016 की जो 2017 में आई है, इस तरह की मेरे पास कई सालों की रिपोर्ट्स मैंने वहां से प्रोक्योर करी है। और आपको जान के अचंबा होगा कि इसके अंदर हर तरह के रोड एक्सीडेंट्स की चर्चा हुई है, लेकिन इसके अंदर कभी भी बुल बार्स के ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई है। कभी ये नहीं देखा गया कि बुल बार्स की वजह से क्या कोई एक्सीडेंट में इंजरी में फर्क पड़ा या कुछ लोग इंजर हुए या नहीं हुए। इन्होंने कह तो दिया कि अनसेफ फॉर पेडेस्ट्रियंस है, लेकिन इसके पीछे इनके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई रिसर्च डाटा नहीं है जिसके बेस पे इन्होंने कह दिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो लेटर निकाल दी गई है ये हड़बड़ाहट में निकाली गई है और शायद उस PIL से बचने के लिए निकाली गई है, जबकि इसकी औचित्य इसकी लीगैलिटी इज रियली 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 डाउटफुल, क्योंकि कुछ लोगों ने RTIs भी लगाई हैं जो अभी तक जवाब नहीं आए हैं, जिसके अंदर पूछा गया है कि आप इसके पीछे रिसर्च बेस क्या है आपका। जहां तक हमने इस सब्जेक्ट मैटर को स्टडी किया है आज तक हिंदुस्तान में बुल बार्स के ऊपर कभी कोई रिसर्च नहीं आई है, और सोशल मीडिया तो आप समझते हैं इतना अनरिलायबल है कि आपने कहीं से भी एक चीज सुनी तो उसके बाद आपने चलाना शुरू कर दिया। सर सोशल मीडिया पे तो मैं भी देख रहा था, कोई तो कह रहा था अपनी गाड़ी भी जब्त कर सकते हैं, मैं तो कहां निकल गया। इवन मैंने कईयों से पूछा कि सर क्या सोर्स है आपकी खबर का, तो कहते हर जगह व्हाट्सएप देखो, आप व्हाट्सएप नहीं देखते। इसीलिए आप शायद आपको पता है ABP न्यूज एक बहुत अच्छा चैनल है, वो एक प्रोग्राम चलाते हैं वायरल सर्च करके, और उसी टर्म्स पे कई और चैनल्स ने भी शायद अब शुरू कर दिया है। तो वो इस तरह की अफवाहें, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर आजकल अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गई है, अफवाहों का जो बाजार है इतना गर्म रहने लग गया है कि ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत जरूरत हो गई है। नेगेटिव न्यूज बहुत जल्दी स्प्रेड होती है हमारे मीडिया में और उसके दाम भी अच्छे मिल जाते हैं उन्हें शायद ना। सर बस एक लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कुछ लोगों के यहाँ बुलगार्ड लगे हुए हैं और कुछ सोच रहे थे लगाने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए? देखिए जहां तक बुल बार्स हैं, जहां तक मैंने इनको स्टडी किया है, बुल बार्स जो पहले किसी समय में आया करते थे एक रिजिड स्टील बार्स थे, अब जो मटेरियल्स मैं देख पा रहा हूँ जो मैंने अभी मार्केट में देखे भी हैं, ABS बुल बार्स आ रहे हैं, PU बुल बार्स आ रहे हैं जो रादर एक कुशनिंग इफेक्ट देते हैं, तो वो उस तरह के बुल बार्स हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं उनको बिल्कुल लगाएं, इट इज एन एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर जो मैं समझता हूँ। और अगर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज से कोई एतराज है तो गवर्नमेंट इसकी स्टडी कराए, इस बिजनेस को रेगुलेट कर सकती है, अपनी स्पेसिफिकेशंस दे सकती है कि इस तरह का बुलबार होना चाहिए, इस तरह का मटेरियल लगा होना चाहिए, लेकिन बुलबार बैन करना इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग। और जिसको अगर कभी प्रॉब्लम चलान की आ रही है तो मैं सबसे एक बात कहूंगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपका इलीगली चलान कट जाएगा तो आप जब भी चलान फॉर्म करें तो उसके अंदर आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं, साइन करते समय आप लिख सकते हैं कि दिस इज साइंड अंडर प्रोटेस्ट, और आप कोर्ट में जाके इसकी लीगैलिटी इसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। जो आपके से अभी तक तो नहीं, मेरे हिसाब से अभी तक 190, 191 और सेक्शन 52 का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कानून बनाने का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है, चिट्ठियों से कानून नहीं बना करते हमारे देश में, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर सरकार को वाकई लगता है कि बुलबार जो है वो गलत है या अनसेफ है तो उसके लिए सरकार को पहले एक रिसर्च करानी चाहिए, रिसर्च कराने के बाद उनको एक बिल लेकर के आना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बुलबार्स लगे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फिटर्स हैं जो लाखों लोग जुड़े हैं, उनसे कमेंट्स मंगाने चाहिए कि उनको इसके बारे में क्या कहना है, फिर उन सबको डिस्कस करने के बाद वो बिल को आगे पार्लियामेंट में ले जा सकते हैं, इसके ऊपर कानून बना सकते हैं, तब ये बाध्य होगा अगर ये सरकार करेगी। लेकिन आज की डेट में चिट्ठी जो है ये चिट्ठी कानून नहीं है। मैं आपको राइट एक बात बहुत अच्छी कह दी सर ने कि चिट्ठियों से कानून नहीं बनते, लेकिन सर एक बात तो पक्की है कि चिट्ठियों से अफवाहें बहुत बन रही है। आप अफवाहों में मत पड़िए, अभी किसी भी सेक्शन में कुछ नहीं दिया गया है, और जैसा कि सर ने बताया भी कि अगर गैर कानूनी तरीके से आपका चलान किया भी गया है
तो आप उसको कोर्ट में कंटेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपने कहा कि नीचे लिख दीजिए साइंड अंडर प्रोटेस्ट लिख के आप उसका करिए। तो सर बिल्कुल मत घबराइए, ये चीज बैन नहीं हुई है, आपकी गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, अगर आपका कोई पर्पज सॉल्व होता है तो जरूर लगाइए, और अफवाहों को थोड़ा सा विराम दीजिए, उसको आगे सर्कुलेट मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच कामेश्वर जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स। टाइम के ऊपर अभी भी असमंजस जारी है, अभी भी कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है या नहीं है। इसका एक बहुत बढ़िया लीगल एस्पेक्ट जो था हमने अपने पिछली वीडियो में कवर किया था, और कुछ नए सवाल यानी 5 नए सवाल लेके मैं दोबारा पहुंच गया हूं दिल्ली के जाने माने वकील कामेश्वर गुम्बर जी के पास। गुम्बर जी, हमारे बड़े सारे व्यूअर्स ने आपकी वीडियो को बहुत सराहाया, पहले तो उसके लिए धन्यवाद, आपने हमें उस दिन समय दिया था जी। और दूसरा ये सर, कुछ नए सवाल भी हमारे व्यूअर्स ने हमें मेल के थ्रू भेजे हैं, वो कह रहे हैं सर ये भी कवर कराओ जी। एक तो सर हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि उन्होंने कईयों से पूछा कि भाई ये बैन है या नहीं है, तो कुछ लोगों ने उन्हें ये बताया है कि शायद ये लगाने से गाड़ी की जो परमिसिबल लेंथ है वो बढ़ जाती है, इसीलिए ये वॉयलेशन है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मंकी जी, मैं कानूनी आदमी हूं तो मैं आपको कानून की बात ही करता हूं। हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के बाद जो 1988 में बना, एक 1989 में एक रूल्स बने थे, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। मैं आपको एक रूल का जिक्र करूंगा जहां तक सवाल लेंथ का है जी। रूल 93 जो हमारा है वो कहता है ओवरऑल डायमेंशन ऑफ मोटर व्हीकल्स जी। मैं आपको सिर्फ लेंथ का पार्ट आपको बता देता हूं जी। इसके अंदर जो नंबर 2 है उस पे साफ लिखा है कि द ओवरऑल लेंथ ऑफ अ मोटर व्हीकल अदर देन द ट्रेलर शैल नॉट एक्सीड जी। नंबर 1 इसका है इन केस ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल छोड़कर और जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं जिसमें आपकी गाड़ियां आती हैं जिनके 2 से ज्यादा एक्सल नहीं है, वो आप जानते हैं सभी गाड़ियों में 2 ही एक्सल होते हैं, शैल नॉट एक्सीड 6.5 मीटर्स। 6 point, सही तो बहुत बड़ा हो गया। लगभग 19 फुट। मैं आपको एक छोटी सी, आपकी जो लंबी गाड़ियां आती है जैसे सबसे बड़ी वाली वो फॉर्चूनर जो आती है, फॉर्चूनर इज आई थिंक 4.5 या 5.5 मीटर की गाड़ी है। क्या बात करो, इतनी छोटी मतलब है, इसके आंकड़ों में छोटी लगी, वैसे छोटी नहीं है वो। 6.5 मीटर की जो आपकी प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ लेंथ है गाड़ी की, 6.5 मीटर से नीचे अगर कोई भी गाड़ी आपकी है तो वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर आती है एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी बुलगार्ड्स लगाने से आपकी इतनी सी अगर आपकी गाड़ी की लेंथ बढ़े भी तो वो परमिसिबल लिमिट के बहुत अंदर है। आप अगर 10 बुलगार्ड भी लगा देंगे तो भी वो इस लॉ के अंदर नहीं आएगी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। तो सर देखो, इसमें कोई लीगल प्रोविजन टूट नहीं रहा है? नहीं टूट रहा सर। एक और भी लोग कह रहे हैं, वो कह रहे वजन भी बढ़ जाता है। देखिए ये भी मैंने सुना है, मैं आपको इसकी भी क्लेरिफिकेशन दे देता हूं, और ये तो बहुत आसान है, आप गूगल कर सकते हैं ये एक्ट को, मौत की साइट पे आप ले सकते हैं इस एक्ट को, रूल्स को देख सकते हैं। अंकित जी, ये जो हमारा एक्ट है उसके अंदर डेफिनेशंस हैं कुछ जी। आपकी जितनी भी गाड़ियां आती हैं, आपने आरसी में पढ़ा होगा LMV, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है LMV का, लाइट मोटर व्हीकल्स बनते हैं, तो आपकी जितनी गाड़ियां आती है वो LMV कैटेगरी की गाड़ियां होती हैं। तो इन डेफिनेशंस के अंदर LMV की गाड़ियों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, Section 2, Subsection 21 है मोटर व्हीकल एक्ट का 1988 का, जिसमें ये लिखा है लाइट मोटर व्हीकल क्या है। लाइट मोटर व्हीकल मीन्स अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनीबस, द ग्रॉस वेट ऑफ ईदर ऑफ विच और ए मोटर कार जो हमारी है और ट्रैक्टर और रोड रोलर, द अनलेडन वेट ऑफ एनी ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 7,500 किलोग्राम्स। 7,500 किलोग्राम जी, आपकी जो गाड़ी है उसका मैक्सिमम अनलेडन वेट जो है वो 7,500 प्रिस्क्राइब्ड है, 7,500 किलो तक की आपकी गाड़ी हो सकती है। और मेरी गाड़ी तो बहुत हल्की है उसके मुकाबले। जो जैसे आपने फॉर्चूनर का जिक्र किया था, हाँ जी, हाँ जी, तो फॉर्चूनर करीबन 2,500 किलो की गाड़ी है, 1/3। हाँ, 1/3, यानी हम 2 फॉर्चूनर उसके ऊपर टांग दें एज अ सेफ्टी तो भी वो इसके अंदर कवर, तो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में। वो अनलेडन वेट वाला फॉर्मूला भी आपका जो है, वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे खरा नहीं उतर रहा है लीगल प्रोविजन पे, लीगल में बैठ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं सर, तीसरा पूछ लेते हैं जी। सर ये तो मैंने खुद ट्राई किया, मैंने किसी से पूछा कि भाई ये जो आ रहा है तो भाई आप किस प्रोविजन में कह रहे हो कि ये लीगल है, तो देखा ये वॉयलेशन ऑफ आरसी में आता है। मैं थोड़ा सा बताइए सर, वॉल्यूशन और आरसी है क्या? नहीं, मैं आपको उस दिन शायद आप पिछली वीडियो आपने आपने बताया था, लेकिन कई को मैंने समझ नहीं आपको आरसी भी दिखाई थी जी जी। मैं आपको और इससे भी ज्यादा लीगल समझा देता हूँ। हमारे जो रूल्स हैं मोटर व्हीकल रूल्स हैं, उसके अंदर बताया गया है कि आरसी के अंदर क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए। राइट सर,
तो उसके अंदर एक रूल 48 है जिसके नीचे एक फॉर्म बनाया गया है, ये सरकार का बनाया हुआ फॉर्म है, फॉर्म 23 अंडर रूल 48। ये बताया गया कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक मिनट में पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए जी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार, जिसके अंदर आपको लिखना है फिएट एम्बेसडर मारुति है, क्या है, मोटरसाइकिल है, साइड कार है, विदाउट गियर है, विद गियर है, साइकिल है, क्या चीज है। फिर आपको लिखना है परचेज फ्रॉम द डीलर नेम एंड एड्रेस, डीलर का नाम और एड्रेस और किससे खरीदी, नेम ऑफ रजिस्टर्ड ओनर, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, पैन कार्ड लिखना ऑप्शनल है, आप पैन नंबर भी इसके अंदर अपना दे सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी चाहिए इसके अंदर। इसके बाद जो डिटेल्स आती हैं वो बिल्कुल क्लियर है। नंबर वन क्लास ऑफ व्हीकल, जिसमें पूछा गया कि नया व्हीकल है, एक्स आर्मी है, इम्पोर्टेड है या माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट्स है। राइट। इसके बाद मेकर्स नेम, कौन कंपनी बना रही है, डीलर का नाम और एड्रेस, टाइप ऑफ बॉडी किस टाइप की है, बॉडी प्लास्टिक है, एबीएस है, क्या है, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और अगर बैटरी ऑपरेटेड है तो उसका मोटर नंबर, फ्यूल यूज्ड इन इंजन पेट्रोल है, डीजल है, हॉर्स पावर कितनी है, क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, मेकर्स क्लासिफिकेशन क्या है, आपकी व्हील बेस कितना है, सिटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को मिलाकर, अनलिड एंड वेट है, कलर ऑफ द बॉडी और विंग्स और द फ्रंट एंड, ये कलर है उसका। ये बेसिकली आपको बताता हूं आरसी जो होती है, ये सब चीजें आनी चाहिए आरसी पे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक पहचान पत्र है आपकी गाड़ी का, जैसे आपका एक पहचान पत्र बनाया आधार कार्ड सरकार ने बनाया, उसी तरह से एक पहचान पत्र है आपकी गाड़ी का, ताकि आपकी गाड़ी को पहचाना कैसे जाए। इसका बुलबार से कोई लेना देना नहीं है। आरसी वायलेशन वो चीज है, मैंने आपको शायद पिछली बार भी बताया था कि अगर आपकी गाड़ी पहचानी जाती है, एक सफेद रंग की गाड़ी है, मान लीजिए आप एक एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं और एक विटनेस उसको देख लेता है और वो बोलता है जी मैंने सफेद रंग की गाड़ी थी, और एक्चुअली आपकी जो गाड़ी है वो सफेद नहीं थी, वो ग्रे थी, आपने बाद में व्हाइट करा ली है, क्या वो आरसी वायलेशन है। उन चीजों को ध्यान में रखने के लिए तो गाइज, अगर आपके आईडी कार्ड के अंदर बिना चश्मे के फोटो है और अगर आप बाद में अपनी सेफ्टी के लिए चश्मा लगाना चाहते हैं तो आई गेस उसके ऊपर कोई भी नहीं। नहीं सर, आप वायलेशन बिल्कुल बिल्कुल आरसी का कोई वायलेशन नहीं है बुलबार्स को लेकर के, आरसी में कोई लेना देना नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट इसमें नहीं है आरसी में जिसका बुलबार से कुछ लेना देना हो। वही नहीं जी सर, ये वैसे ये भी आपने मेरे को बता दिया था लेकिन लोग बार बार कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, ये सेक्शन 191 और 190 सही, ये भी आप प्लीज एक बार और डिटेल में इन्हें बता दीजिए जो भी है कि इसमें क्या क्या वॉल्यूशन की चांसेस हैं। मैं जो कुछ कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा लूपहोल है बीच में, नहीं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जहां तक सेक्शन 190 का सवाल है मैं आपको पूरा सेक्शन पढ़ देता हूँ, सिर्फ बहुत लगेगा। सर ने वेबसाइट भी आपको पहले ही बता दी है तो आप चाहें तो ये सब वहां से भी देख सकते हैं, इनफैक्ट हम अपने लिंक में वो डाल भी देंगे। ठीक है, यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, राइट। नंबर एक है कि एनी पर्सन हु ड्राइव्स और कॉजेज और अलाउज टू बी ड्रिवन इन पब्लिक प्लेस इन मोटर व्हीकल और ट्रेलर व्हाइल द व्हीकल और ट्रेलर इज एनी डिफेक्ट व्हिच सच पर्सन नोज और कुड हैव डिस्कवर्ड बाय द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी केयर व्हिच इज कैलकुलेटेड टू रेंडर ड्राइविंग ऑफ द व्हीकल ऑफ अ सोर्स डेंजरस टू पर्संस एंड व्हीकल्स यूजिंग सच प्लेस शैल बी पनिशेबल विद उसके 250 रुपीज फाइन एटसेट्रा जो भी है। इसका मतलब ये है आसान शब्दों के अंदर मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल है और आपको पता है या आपको पता था ये होने वाला है और आपने उसको ठीक नहीं कराया है, आपने एक ऐसे व्हीकल को जो डिफेक्टेड है उसको सड़क पर चलना दिया ताकि लोगों को डेंजरस हो सकता है, इसके लिए आपके लिए फाइन है। इसका क्लॉज बी है, एनी पर्सन हु ड्राइव्स और कॉजेज टू अलाउज टू और causes or allows to be driven in any public a motor vehicle which violates the standard prescribed in relation to road safety control of noise air pollution shall be punished with the first offense ₹1,000, second offense ₹2,000। ये जो चीज है जो नॉर्मली लोग कह रहे हैं आ रही है उसके अंदर, हाँ वो यही कह रहे हैं, हाँ, नहीं, है। नहीं वो 1-2 हजार वाला प्रोविजन इसलिए नहीं है, ये है कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं रोड सेफ्टी को लेके, एयर पोल्यूशन को लेके या नॉइस पोल्यूशन को लेके, जैसे कि अभी हूटर्स बैन हुए थे आपने पीछे सुना था, उसके अंदर हमारे रूल्स हैं, जो रूल्स के अंदर प्रोविजंस दी गई हैं, गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किए हुए स्टैंडर्ड्स
जिसके अंदर ये लिखा गया कि इतना डेसिबल नहीं होना चाहिए, इतना डेसिबल होना चाहिए, या मैं अगर फिल्म्स की बात करूं इतने परसेंट अलाउड थी इतने नहीं थी, या गाड़ी की रैपिंग की बात करूं, एक जीएम का केस हुआ था जिस तरह से, तो उन सब चीजों को जो सरकार ने प्रिस्क्राइब करे हुए स्टैंडर्ड्स, उनकी अगर वायलेशन है, जैसे किसी ने हुटर लगा रखा है, बड़ा हॉर्न लगा रखा है, लाल बत्ती लगा रखी है बिना परमिशन के, उनका चलान है इसके अंदर। बुल बार्स के बारे में आज तक सरकार ने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगली चीज में तीसरा क्लॉज, एनी पर्सन हु ड्राइव्स और कॉजेस और अलाउड टू बी ड्रिवन इन एनी पब्लिक अ मोटर व्हीकल व्हिच वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर फॉर रिलेटिंग टू कैरेज ऑफ गुड्स व्हिच आर डेंजरस और हैजार्डस टू ह्यूमन लाइफ। अगर मतलब आप गैस के सिलेंडर लेके जा रहे हैं और उसके जैसे इसके अंदर हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि आपको एक तरह का स्टिकर लगाना है कि इस गाड़ी के अंदर हजार्डस मटेरियल जा रहा है, जैसे आप केमिकल लेके जा रहे हैं, केमिकल लोड करके ले जा रहे हैं, तो उस तरह के स्टिकर्स अगर नहीं लगे हुए हैं, उस तरह की अगर आपने कोई रूल्स की या एक्ट की वायलेशन की है, तो आप 193 के अंदर आते हैं। तो 190 का बुल बार से कोई लेना देना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू इज 191। मैं आपको 191 की सिर्फ एक लाइन बढ़ देता हूं, उसी से आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा। 191 की एक लाइन है पहली, सेल ऑफ व्हीकल इन और ऑल्टरेशन ऑफ व्हीकल टू द कंडीशन कॉन्ट्रावेनिंग दिस एक्ट, हूसोएवर बीइंग एन इंपोर्टर और ए डीलर इन मोटर व्हीकल सेल्स और डिलीवर्स और ऑफर्स टू डिलीवर। मतलब कहने का, इसके अंदर जो प्रोविजंस दी गई हैं हमारे एक्ट के अंदर, अगर उसको स्पेसिफाई करती हुई गाड़ी नहीं है और इस तरह के गाड़ी बेचने वाले या गाड़ी इंपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो उनके खिलाफ 191 जो है वो लगता है। तो ये जो गाड़ी के यूजर्स हैं उनके लिए नहीं है, नहीं ये गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोविजन दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स नहीं, सेलर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनके लिए है जो गाड़ी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, जो आप गाड़ी खरीद चुके हैं उसका कोई लेना देना नहीं। अब कीजिए, एक छोटी सी बात बता देता हूं, हमारे मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर या उसके अंदर जो रूल्स बने हैं उसके अंदर बुल बार से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। नहीं। सर बस एक लास्ट बात और बता दो, ये कुछ लोग मेरे को कहने लगे हैं ये जो सर कि ये स्टेट में चलान होगा या उसमें होगा या उसमें होगा, तो सर जैसे आप पढ़ रहे हो कि इसमें तो कोई प्रोविजन है नहीं है सच, तो फिर सर ये कैसे हो जाएगा, मतलब उसके लिए क्या प्रोविजन रहता है किसी भी उसमें चलान करने के लिए? सर चलान के लिए मैंने आपको बताया जो एक एडवाइजरी लेटर जारी किया गया है, मैंने अभी रिसेंट मुझे सुनने में आया कि शायद किसी का एक चलान कटा भी है और 31 जनवरी की उसकी डेट है और उसको मोस्ट प्रोबेबली कंटेस्ट भी करने वाले हैं उसको अंदर जाकर के। बट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एडवाइजरी लेटर है ये एक लीगैलिटी से दूर लेटर है, इसकी कोई लीगल बैकग्राउंड, आपने पिछले उसमें बताया, इसकी कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है इस लेटर की। इसके बेस पे अगर कोई स्टेट एक्शन लेती है तो वो इटसेल्फ ही गलत है, पहली बात तो बिल्कुल सही। अगर कोई चलान कट रहा है तो वो गलत तरीके से काटा हुआ चलान है, उसके लिए लेजिस्लेशन पहले बना, लेजिस्लेशन पहले सरकार को एक रूल बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा और इसके अंदर अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी अगर बुलबार्स को वो कुछ कहते हैं। लेकिन जब तक बुलबार्स के पॉजिटिव और नेगेटिव सरकार ने स्टडी नहीं किए हैं तब तक उसको आंसर कैसे डिक्लेयर कर सकती है। दैट्स सो ट्रू। तो आई एम 100% श्योर कि अभी तक हमारे पास जो भी क्वेरीज आ रही थी या जो भी आपके दिमाग में पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। सर अभी कोई लेजिस्लेशन नहीं है और पूरा लेजिस्लेशन अभी सर ने हमारे सामने दोबारा पढ़ दिया है कि किसी लेजिस्लेशन में फिलहाल कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो बुल बार को रोक सकता हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूज आई है जिसमें जो कह रही है कि रुक गए हैं तो सर उसको चैलेंज कीजिए। और आजकल क्या है कि न्यूज बहुत तेजी से कई बार सोशल मीडिया पे ऐसी आ जाती है जिसका कोई लीगल बैकिंग होती ही नहीं है और वो लोग चेक भी नहीं करते हैं, तो ऐसे र्यूमर से आप बचिए। तो सर आज के लिए धन्यवाद, एक बार कामेश्वर जी को धन्यवाद कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपका। कोर्ट के आदेश से गाड़ियों में बुल बार लगाना और वो बुल बार बेचना दोनों ही गैर कानूनी कह दिया गया है। इतना ही नहीं सर, अगर आप गाड़ियों में बुल बार लगाते हैं या फिर उसको बेचते हैं तो आपका कम से कम 5,000 का चलान किया जा सकता है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में नेगेटिव खबर हमेशा पहले बिकती है, इसलिए मैंने कहा चलो आज की वीडियो नेगेटिव खबर से शुरू करते हैं जो कि एक्चुअल में झूठ भी है। एक्चुअल में सर ये सच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, इवन किसी भी कोर्ट ने भारत में अभी तक बुल बार के ऊपर किसी भी तरह से एक्शन लेने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। हाँ हाँ मेरे को पता है, आप कमेंट में मत डालिए, मुझे पहले ही पता है कि कुछ स्टेट्स में कुछ जगह पे कुछ समय के लिए चलान किए गए हैं। सर ये चलान
आनन फानन में निकाली गई मिनिस्ट्री की एक एडवाइजरी जो कि 7 दिसंबर को निकाली गई थी की वजह से किए गए थे। लेकिन सर 13 मार्च को यानी 13 मार्च 2018 को माननीय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इस लेटर को खारिज कर दिया है। उन्होंने ये सारे चलान 13 मार्च को रोक दिए थे। इनफैक्ट 18 मार्च 2018 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया है उसको उस लेटर को अमान्य घोषित करते हुए ये भी कह दिया है कि कोर्ट के अगले किसी भी आदेश के बिना अब इसके ऊपर चलान नहीं किए जा सकते। यानी कि सर अब अगर कोई अथॉरिटी कोई पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति आपसे कहे कि इसके ऊपर चलान है और अगर वो जबरदस्ती इसके ऊपर चलान करने की कोशिश करता है तो ये माननीय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की अमानना होगी। आप कहेंगे कि हम क्यों माने, आप कह रहे हो, आप तो कहते रहते हो क्योंकि पिछली बार मेरे को कईयों ने कहा सर आप बिना प्रूफ के बात कर रहे हो। सर प्रूफ के बिना मैं बात ना पहले कर रहा था ना आप कर रहा हूं। ये दोनों के दोनों ऑर्डर्स की कॉपी इवन उस एडवाइजरी की भी कॉपी मैंने सर नीचे हमारे लिंक्स में छोड़ दी है, आप वहां जाके उसकी फोटो ले सकते हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि नहीं नहीं इसके ऊपर चलान है और ऐसे वैसे, या कोई आपको तंग करता है और कहता है कि नहीं उसको उतारो नहीं तो आपको चलान कर दिया जाएगा, तो आप वो कॉपी उनको दे सकते हैं, मैंने लिंक में छोड़ दी है। इनफैक्ट मैंने वो लिंक भी छोड़ दिया है जिसके अंदर जिस पे जाके आप डायरेक्ट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से उस केस की रेफरेंस से का नंबर डाल के जो नंबर मैंने नीचे छोड़ दिया है आप वो कॉपी खुद भी निकाल सकते हैं और वहां दे भी सकते हैं। तो सर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसके ऊपर कोई चलान नहीं है। लेकिन सर नेगेटिव खबर किए बिना ना मेरे को मजा ही नहीं आता, मैं कह रहा हूँ नेगेटिविटी चलती है, नेगेटिव वीडियो बनाओ अच्छा रहता है। दूसरी नेगेटिव बात यह है सर जो बड़ी अच्छी बात भी है कि सर ये बोलबाल लगाने नहीं चाहिए वैसे, मतलब ये छोड़ो आप जो भी वोट करिए छोड़ो लेकिन लगाने नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं सर खुद एक्सेसरीज में भी डील करता हूँ तो मैं काफी सारे रिसर्च करता रहता हूँ नेट पे, अलग अलग जगह पे पढ़ता रहता हूँ कि ये फलानी गाड़ी बिल्कुल सेफ नहीं है, इस गाड़ी का अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, इस गाड़ी को यू नो कुछ लोग टीन का डब्बा कहते हैं कुछ ब्रांड की गाड़ियों को, तो वो गाड़ियां जो है जो मैन्युफैक्चर ने बनाई है और टीन के डब्बे हैं वो एक्चुअल में ज्यादा सेफ है, लेकिन बुलबार लगी हुई गाड़ियां सर बिल्कुल सेफ नहीं। ये सर दूसरी अच्छी खबर है, मतलब नेगेटिव खबर। एक्चुअली सर जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ ना मैं पता नहीं क्यों ये देखता हूँ, ये शायद क्योंकि मैं इसमें डील करता हूँ तो शायद इसलिए मेरी नजर पड़ जाती है, जिन गाड़ियों की फोटोग्राफ्स जिन गाड़ियों की वीडियोस एक्सीडेंट्स ये सब यूट्यूब पे नेट पे सब पे डाले गए हैं यहाँ पे बुलबार क्यों नहीं लगा होता। मे भी शायद वो ज्यादा डेंजरस है इसलिए लोग लगाते नहीं है, तो इसलिए शायद हमारे पास कोई ऐसी फुटेज है नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसी फुटेज हो ना सर प्लीज मेरे को भी उसमें टैग कीजिएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि बुलबार ही ज्यादा अनसेफ क्यों है या मैन्युफैक्चर की गाड़ियां जिसको हम अनसेफ क्लेम करते हैं उसको बुलबार लगा के हमें सेफ क्यों नहीं करना चाहिए। सर बुलबार पूरी तरीके से सेफ है, ये गाड़ियों को सेफ बनाते हैं, ये सर लोगों की जान बचाते रहे हैं बचाते रहेंगे और सर आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा एक ही व्यक्ति के हाथ में है, वो आप हैं। अपने डिसीजन से आप अपनी गाड़ियों को ज्यादा सेफ बना सकते हैं और सर ये डिसीजन बिना किसी खौफ के लीजिए क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इस समय बुलबार पे लगे हुए सभी तरह के बैन्स लिफ्ट कर दिए हैं। अगर सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि सर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करिए, अगर कहीं पे किसी लोग को किसी व्यक्ति को अभी ये नहीं पता लगा है कि सर बुलबार पे से बैन हट गया है तो इस ये वीडियो और जो हमने नीचे ये जो फोटोग्राफ्स हमने छोड़ी हैं उस ऑर्डर की कॉपी की, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्कुलेट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि बुलबार पे कोई भी बैन नहीं है और वो अपनी सेफ्टी का डिसीजन अपने मन से अपने तरीके से और अपनी खुशी से ले सकते हैं बिना किसी चलान के डर के। थैंक यू वेरी मच गाइज, आप सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो इस बार ये पॉजिटिव न्यूज हम नेगेटिव न्यूज से ज्यादा फैला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, इस गिया के पहले इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सबका स्वागत है। बुल बार पे बैन है या नहीं है, अगर अभी भी लोग आके आपसे पूछ रहे हैं और बार बार आपसे ऑर्डर की कॉपी मांग रहे हैं तो सर ये वीडियो आप ही के लिए है। अब ऑर्डर की कॉपी के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप और आपके सारे कस्टमर्स इस कॉपी को खुद निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने फ़ोन के ब्राउज़र पे जाएं, आपके फ़ोन पे डिपेंड करते हुए ब्राउज़र अलग अलग हो सकते हैं, और वहाँ पे टाइप करें दिल्ली हाई कोर्ट।
अगर सर आपको ऑफिशियल वेबसाइट याद रह सकती है तो सर आपको बता दूंगी दिल्ली हाई कोर्ट डॉट एन आई सी डॉट इन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको याद नहीं रह सकती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल आपके लिए खुद ढूंढ के देगा। पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल स्किंड वेबसाइट यानी कि वो वेबसाइट जो कि सिर्फ मोबाइल के लिए बनी है खुल चुकी है। इसमें जाके आपने क्या करना है सर, यहाँ मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा सर नीचे ऑर्डर्स। ऑर्डर पे जाके आप केस वाइज में अपने ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। ये टेक्निक आप और दूसरे ऑर्डर्स निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सर यहाँ पे ऑर्डर्स के लिए एक पूरी विंडो खुल गई है। इसमें क्या है सर, अगर आपको याद है कि आपका केस टाइप कौन सा है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो ऑल पे छोड़ दीजिए, अपने आप ढूंढ लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों का जो केस टाइप है वो एक रिट पिटीशन है, तो WPC हमारा केस टाइप है, बट अभी हम यहाँ पे नहीं डाल रहे। हम यहाँ पे डाल रहे हैं अपना केस नंबर। सर यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पूरी वीडियो में याद रखने की ज़रूरत है ताकि आपके कस्टमर आराम से इसको ढूंढ सके। हम लोगों का केस नंबर है 6340। सर ये केस फाइल हुआ था 2017 में, तो 2017 को हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड हमें दिया हुआ है जो हमें एंटर करना है ताकि हमारी वीडियो आगे चल सके। तो हमारा ये सिक्योरिटी कोड फिलहाल दिख रहा है 1345, ये चेंज होता रहेगा सर। इसको डाल के हम डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे। देखिए सर हमारे केस का इस समय का जो भी वो है अपडेटेड स्टेटस खुल गया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जजमेंट अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ ऑर्डर्स की कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए सर अब यहाँ पे सारी ऑर्डर्स की कॉपीज़ खुल गई हैं। ये दिखा रहे हैं कि हमारी डेट कब कब हुई थी और उसमें कौन कौन से ऑर्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सर, जैसे ये रीसेंट ऑर्डर हमारे पास दिखा रहा है 18/2 का, इससे पहले 22/11 की हमारी डेयरिंग थी उसका ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल है, 20/8 की थी, 18/4 की थी। इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लेटेस्ट को डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो देखिए सर हमारी ये नोटिफिकेशन जो आई थी, ये जो ऑर्डर आया था, ये डाउनलोड हो गया है। इसमें आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं और मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या आया है। तो जी यहाँ पे बहुत क्लियर आया है कि अगली जो लिस्ट है, जो अगला डेट है, वो लिस्ट हुआ है 16 अप्रैल 2019 को, और तब तक इंट्रीम ऑर्डर जो भी है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है सर, तो अब सर इंट्रीम ऑर्डर कहाँ था वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, तो थोड़ा सा पीछे आएंगे वापस। सर पिछले साल मार्च में यानी कि 12 मार्च को इंट्रीम ऑर्डर आ गया था जिसके अंदर इसके ऊपर स्टे दे दिया गया था। ठीक है सर, तो 12 मार्च की जो नोटिफिकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्रैल की 18 अप्रैल को जो ऑर्डर आया था आप उसको भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। इस ऑर्डर में बहुत क्लियरली बताया गया था कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने तक ये ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। हालांकि वो फॉर्मेलिटी के लिए बचे हुए सभी ऑर्डर्स के अंदर ये बात डाल देते हैं कि इंट्रीम ऑर्डर चलता रहेगा। तो देखा सर आपने, बहुत ही आसान था। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। और सर अब अगर आपको कोई भी परेशान करे और कहे कि इसके ऊपर बैन है, तो आप फट से अपना फ़ोन निकालिएगा और हमारी इस वीडियो का इस्तेमाल करके फटाफट एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको दिखा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग गाइस।